आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री हामिद अंसारी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, न्यायमूर्ति श्री जे एस खेहर जी, एक्सेलेंसीज, संसद के सम्मानित सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मेरे देशवासियों, मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूँ। यहाँ सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूँ और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है, हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा। मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूं और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्हें हम स्नेह से प्रणबदा कहते हैं, जैसी विभूतियों के पद चिन्हों पर चलने जा रहा हूँ। साथियों, हमारी स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया। वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफ़ी है, उनके लिए हमारे करोड़ों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। अब स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, वो सदी जिसके बारे में हम सभी को भरोसा है कि ये भारत की सदी होगी। भारत की उपलब्धियां ही इस सदी की दिशा और स्वरूप तय करेंगी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही जुड़े हुए हैं और इन्हें हमेशा जुड़े ही रहना होगा। साथियों, देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता